वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ जो नेक लाइन शेयर कर रही हूँ वो नहाय सिंपल तरीके से आपको मैं सिखाऊंगी और जिसके लिए मुझे डोरी और पर्ल्स की ज़रूरत है तो इस तरह से मैंने डोरी ऑलरेडी बना के रखी हुई है इसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं और कुछ इस तरह से पर्स हैं जो मुझे रेड कलर में चाहिए तो इस तरह से नेक है जिसे मैंने कटिंग करके एक फैब्रिक पे पेस्ट किया हुआ है और ऊपर से जो नेक की मैंने वर्थ रखी है वो सेवन इंच है और नीचे लेंथ में जो है मैंने फ़ोर इंच ली है तो इस तरह से मैं शर्ट का फ्रंट पार्ट लूँगी अच्छा ये मैंने आपको ये मैं दिखा दूँ कि इस पर मैंने जो है ये पैच था इस तरह से और इसमें जो है पैच को इस शेप में बनाया गया था कि ऊपर वेस्टकोट टाइप का लग रहा था तो इस तरह से मैंने इसे सिलाई किया ऊपर मशीन से तो नीचे मैंने ये बटन टिक पट्टी रेडी की है तो चलें स्टार्ट करते हैं नेक सबसे पहले मैं जो हाफ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं उसके ऊपर सिलाई करते हुए इस तरह से मैंने नीट कर लिया नेक को अब मैं नेक को इस तरह से मीट करते हुए दरमियान में मैं हल्का सा एक कट लगा लूँगी कट लगाने के बाद मैं शर्ट का फ्रंट पार्ट लूँगी और उसके ऊपर इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसका मीट करते हुए इसे मैं पिन अप कर लूँगी इस तरह से पिन अप कर लेने से काम बहुत आसानी से हो जाता है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकिन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके अच्छा यहाँ पे स्लिट के अंदर जब आपने सिलाई लगानी है तो बिल्कुल थोड़ा सा आपने बहिए को बारीक कर लेना है और हमारी जो सिलाई है बिल्कुल बकरम के साथ साथ लगनी चाहिए तो इस तरह से मैं सारे नेक को कंप्लीट कर लूँगी सिलाई लगाने के बाद मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके अंदर कटिंग कर लूँगी और हल्के हल्के कट लगा लूँगी और साथ ही से मैं रॉन्ग साइड पर टर्न करके तुरपाई कर, कर लूँगी और अब मैं इसके ऊपर लूप्स लगा रही हूँ लूप्स मैंने दो इंच के कटिंग किए हैं और इस तरह से साथ साथ रखते हुए मैं लूप्स लगाती जाऊँगी लूप्स की कटिंग करते वक्त मैंने वीडियो शूट की थी लेकिन वो मुझसे मिस हो गई है लेकिन मैंने लूप्स जो है दो इंच के कट किए हैं क्योंकि मैंने इनके अंदर पर्स लगाना है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा साइज़ में कम लूप्स चाहिए थे तो इस साइड से एक साइड पर मैंने लूप्स लगाए हैं दूसरी साइड पर मैंने बटन टेक पट्टी रखते हुए ऐसे सिलाई लगा लिया अब मैं इसके ऊपर इस तरह से पर स्टिच कर लूँगी अभी एक में पर आपको स्टिच करके दिखाती हूँ तो दूसरा जो है मैं सारा इसके ऊपर पर स्टिच करके के फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी अच्छा एक साइड पे मैंने बटन की एक पट्टी को सिलाई के साथ स्टिच किया दूसरी साइड पे मैं अंदर वाली साइड से इसे तुरपाई कर लूँगी एक लूप को ऊपर से मैंने ओपन रखा है और इसलिए मैं इसे सेपरेट पर मैं इसका लगा रही हूँ आप इस तरह का अगर लगाना चाहें तो लूप्स के अंदर रखते हुए पर्स स्टिच करें इस तरह से अच्छी तरह से पर्स जो है फिक्स हो जाते हैं तो इस तरह से मैंने सारे लूप्स के अंदर पर्स लगा लिए हैं तो देखिए कितना प्यारा हमारा नेक जो है रेडी हो गया आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़